लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न दलों के नेता अपनी पार्टी के साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम रहे हैं। पार्टी में अभी तक करीब 15,000 लोग बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। ऐसे में बीजेपी पार्टी के लोगों का शामिल होना चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चिंता जताते हुए सुझाव दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में विपक्षी दलों के नेताओं का बढ़ना अब पार्टी के लिए चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पार्टी में एंट्री के लिए मानक तय करने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा का परिवार लगातार बढ़ रहा है और अब ज्यादा लोग हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में अब तक कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 15,000 लोग शामिल हो चुके हैं, जिसको देखते हुए मानक तय करने और पार्टी में आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ज़्यादा लोग आ गए हैं, 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें उसके। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उनकी उन्होंने जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के जो काम किए हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार प्रदेश के विकास के लिए रात दिन लगभग 16-17-18 घंटे लगातार जो काम कर रहे हैं और 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है उस जो काम कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर के विभिन्न दलों के लोग उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करने के लिए आम जनमानस चाहे वो किसी भी दल का हो उसको पूरा करने के लिए अपनी आहुति देना चाहता है और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों के लिए जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं वो चाहे किसी भी दल के लोग, उनके लिए हमने हमेशा दरवाजे अपने खुले रखे। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है स्क्रीनिंग कमेटी पहले ही वैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई ज्वाइनिंग जो कमेटी बनाई गई है वो स्क्रीनिंग करके ही लोगों को शामिल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा तो इस पर और भी अच्छी तरह से जो पूरी तरह से पारदर्शी जो लोग हों उनको भी उसका भी ध्यान रखा जाता है और आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा तो बिल्कुल अच्छी बात है, उसको भी पालन किया जाएगा। वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी के सुझाव पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि आइए सुनते हैं मथुरा दत्त जोशी ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी घबराहट में भी है, इसीलिए दूसरी पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करा के अपना काम कराना चाहती है। उनकी आदत है, हमेशा उन्होंने दूसरे की गाय में गोदान किया है क्योंकि अपने लोगों पर भरोसा रहा नहीं। अपने लोगों को आज तक ठगते और छलते आए हैं, 10 साल में कुछ दिया नहीं कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं के लिए सोचा नहीं, दायित्व तो बटे नहीं, जो बटे भी तो अपने अपने को दिया है और आम कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं किया है, उसका केवल शोषण ही किया है। तो आज स्थिति ऐसी आई है कि देख लीजिए जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध भी हो रहा है, इसलिए घबराहट में भाजपा दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ले रही है और अब असंतोष जब कार्यकर्ताओं दिखा है इसलिए मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है वे रोको भाई तो ज़्यादा हो जाएगा।